सेल्स, क्या आपको पता है एपिडर्मिस और कॉर्क में डिफरेंस क्या क्या होते हैं? देखो, एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है आपकी प्राइमरी प्लांट बॉडी का, मतलब ऐसे प्लांट के पार्ट जो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं और आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द वाटर लॉस एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं कॉर्क की बात करूं तो ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके ओल्डर स्टेम्स और रूट्स की। कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम दो तरीके के आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, एक बनाता है फेलोडम जो इनर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होती है और ये आपके लिविंग सेल से बने होते हैं, लिविंग पेरेन्काइमा सेल से। और जो कॉर्क होता है आपका वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे मच्योर होने लगता है प्लांट वो वैसे वैसे डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके ऊपर एक डिपोजिशन प्रेजेंट होती है जिसको हम सुबेरिन बोलते हैं, जो एक्चुअली में हेल्पफुल होती है वाटर लॉस से प्रिवेंशन में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में।